ये कुल्लू है, कोयटा से आता है 2200 2018 तक। ये जूस के लिए भी अच्छा होता है, अभी बंद बीमार बंदा वो उठ जाता है आराम से इसको पी के, इसका जूस पी के, मतलब इसको खा के निकल होता है, कुदरती होता है, ये कुदरती है। अच्छा, ये मुनासिब कम से कम पेटी है, क्या हो जाएगा ये फाइनल? अगर मतलब अच्छा सेब होगा, अगर 22 का है 23 का है तो ये 2100 का लग जाएगा, 2000 का लग जाएगा। अगर थोड़ा हल्का होगा 1800 1700। जी दोस्तों, ये देख सकते हैं, हमने आपको करीब से भी दिखा दिए कितना ये ताज़ा फ्रेश सेब आपको नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छे सेब हैं, और ये देख सकते हैं ये बड़े बड़े सेब हैं और बेहतरीन फर्स्ट क्लास सेब हैं, खूबसूरत बड़े बड़े अनार हैं, फर्स्ट क्लास के अनार। अभी आपको प्राइस हमने बता दिए थे, यहाँ देख सकते हैं मुख्तलिफ अनार यहाँ पे आपको देखें, इन्होंने बताया कि अनार जो है ना आपको 1800 तक मिल जाते हैं, और यहाँ आ जाते हैं अभी ये देखें अंगूर, अंगूर भाई ये भी इम्पोर्टेड अंगूर है लग रहे हैं, पाकिस्तानी अंगूर तो नहीं है ना, ईरान वाला। आजकल ईरान का माल बहुत आ रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान खत्म हो गया, रेगिस्तान हो गया, ये नहीं है पाकिस्तान के जो लोग बैठे हुए। ये देखें, ये आपके पास आ गए यहाँ पे अंगूर। अच्छा, अंगूर सारे इन्होंने पैक रखे हुए हैं, वरना आपको करीब से दिखा देते हैं, ये थोड़े से पैक बने हुए हैं। ये का क्या प्राइस हो जाएगा? ये 1600 रुपये लग रहा है। अच्छा, इसके अंदर कितनी ट्रे हैं? ये इसके ये 6 ट्रे हैं। 6 ट्रे हैं, और एक ट्रे में कितना वजन है? एक ट्रे में वो तकरीबन वजन है 3 पाव। अच्छा, मुनासिब फैनल अगर कोई लेता है यहाँ पे आपके आगे तो आपके क्या क्या प्राइस कर लेंगे इसके? ये 1500 का लगा करता है। 1500 का लगा सही है। और अगर कोई एक ट्रे लेगा? एक ट्रे लगा, इधर बाहर मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, आप नहीं देंगे एक ट्रे? सही, सब ईरानी वाला माल है, सब ईरानी वाला माल है। अच्छा, इस जायके में कैसा होता है ईरानी? जायके ईरानी के बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अंगूर होता है, छोटा छोटा अंगूर होता है वो, नहीं होता एक महीना चल रहा है, नहीं तो 2 महीने चल रहा है, देखो साल भर के चल रहा है, बड़ा बड़ा का निकल आता है, देख लो। अच्छा, सेब भी ईरानी आ गया, अंगूर भी ईरानी आ गया, क्या क्या ईरानी आ रहा है? सब कुछ ईरानी आ गया, सेब भी है, अनार भी है, अंगूर भी है। अच्छा, ये जो ये भी ईरानी है, ये भी ईरानी, ये भी ईरानी है, इसलिए खाता पीता अनार लग रहा है, मोटा भी है, लाल वाले बिल्कुल सही है, मैदे के मरीजों का बेहतरीन बेहतरीन इलाज है, बिल्कुल पिए और जान बना, जान बना, नाइट हो जाए भाई, इसका जूस पियो और को और टाइट हो जाओ इंशाल्लाह। और रेट भी पूछ लेते हैं इनसे, अनार के भी इसके पूछ लिए। 1800 2000 का चल रहा है, 1800 2000 में, 1800 2000 रुपये। तकरीबन इसका वजन कितना होगा? वजन 10 किलो होगा, 10-11 किलो। सही, फर्स्ट क्लास। आपने सुन लिया भाई, ये 1800 तक आपको अनार भी मिल जाएगा, और वजन जो है ना इसका 10 से 12 किलो तक वजन होता है। और मजीद हम आगे चलते हैं और मजीद देखते हैं, ये आज हमने आपको मजीद पूरा जो है ना मंडी का सर्वे करवा देते हैं। यहाँ देखें, इस तरफ भी है, इस तरफ मटके मटके, हाँ ये कौन सा स्ने? ये खानदानी चीज आया हुआ है, नया नया। ओहो, ये खानदानी चीज, ये खानदानी तो गरम मिर्च छोटा छोटा लेके आ रहे हैं। हां, ये देखें, ये क्या चीज है भाई? ये मटके हां यार, मटके तो हमारे यहां पानी ठंडा करने के लिए होते हैं जान, ये अमृत के मटके, अमृत के मटके मेरे भाई। भाई देख सकते हैं, ये कोई नया मटका ले आया खान साहब। हां, ये खान साहब इसको दिखाओ, दिखाना इसको। अच्छा, वो खान साहब चले गए, ये दूसरे खान साहब, खान साहब बताइएगा ये जरा इसकी तफसील बताओ। तफसील ये बड़ा अच्छा अमरूद है भाई, खाना नीचे आया हुआ इतना है ना, अमरूद है क्या? अमरूद है, मटका मिसाल के तौर पर ना बहुत बड़ा, इसलिए मैंने बोला जैसे पागल है भाई ना, इतना ये अंदर से भूस होता है, बिल्कुल बेकार, ये जो ना ये से आवाम को धोखा देना, ये से जान जी मटका रख दिया। असल अमरूद लाड़काने के बहुत अच्छा मीठा अमरूद होते है, ये बेकार होते है, आवामों को धोखा देना। ये भाई की दुकानदारी खराब कर रहा है, इस वजह से पट्टा होने वाला है। आज बोलो, अच्छा पेटी कितने का मटका वाले का? यार ये 1000 रुपए के लिए हुआ है, 1000 रुपए का पेटी। इसमें क्या? 1000 रुपए का, झूठ नहीं बोलने का, भाई ये भाई 1000 रुपए का या मंडी मंडी है, 11 का मेरा आपने मेरे को क्या रेट बताया? वो अलग चीज था, ये 1100 का, 1100 का और बढ़ा देगा। नहीं भाई, कल मेरे को तुम्हारा शुक्र कर रहे हम लोग ना, 700 रुपए 300 रुपए हम कमाते, मजदूर 15 रुपए से मजदूर देते, 85 रुपए बाहर देते हैं। भाई के पास ये भाई तुम्हारे पास अनार भी है और क्या है? सेब है, ये बेकार अनार है, ईरानी अनार है, मीठा नहीं है, कंदारी दिखा दो, कंदारी, हाँ कंदारी यार, ये वाला भी ईरानी है।
भाई पाकिस्तान का कुछ भी नहीं है, सब कुछ ईरान से आ रहा है। बात सुनो, अंगूर का जायका खराब हो गया और फिर भी 2500 रुपए रेट है, चेक करो खराब जायके वाले। बेटा किधर है, कड़वाहट है इसमें, पुराना हो चुका है, ये बासी हो गया, दवाई का है ना, तो बासी हो गया ना, फिर भी रेट 2500 रुपए है। ये चाहिए कम से कम 700-600 फ्रूट के ऐसे हैं, तो यहाँ पे आए तो देख लें कि अच्छे अच्छे फ्रूट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका जायका सही है, ये भाई ने जो बताया है। अभी मजीद हम आगे चलते हैं। रेट है 48 दाना है, 48 दाना, ये कौन सा वाला? मौसमी है, हाँ मीठा मौसमी, मौसमी मीठा है, सही है। कितने दाने? 60 दाने, 48 दाना, 48 दाने, और इसके अंदर 60 और 72 दाने वाला भी तो आता है? वो हमारे पास नहीं, आपके पास नहीं है। इसके फाइनल रेट क्या हो जाएंगे? फाइनल इसका 500 रुपये हो जाएगा, फाइनल 500 रुपये हो जाएगा। और ये किन्नू की बात करा, ये किन्नू का फाइनल 1100 हो जाएगा, 80 दाना है, 80 दाने वाले, हाँ 1100 रुपये हो जाएगा, 1100 रुपये। ये 100 दाने वाला भी आता है? 100 भी आता है, 10 दर्जन भी आता है। पैनल क्या हो जाएंगे? ये पैनल 1050 हो जाएगा, 1050। आपके पास है किन्नू और क्या नाम है? शकरी माल्टा है, कौन कहाँ पर है? ये वाला, ये शकरी है, अच्छा ये वाला है, ये हाँ ये शकरी है। ये शकरी माल्टा कहाँ से आया हुआ? ये इधर का है ना, पाकिस्तानी पंजाब का है, शकरी माल्टा होता है, ये शकरी मीठा होता है, मीठा होता है, माल्टा मीठा होता है। हाँ खट्टा वाला जो आता है वो कौन सा होता है? वो ग्रेपफ्रूट होता है, ये होता है खट्टा सा जायके वाला। हाँ ये खट्टा जायके वाला किन्नू है, ये जैसे जूस के लिए बड़ा बेहतरीन होता है, जूस के लिए तो ये हर चीज़ बेहतरीन होता है, लेकिन ये ज्यादा होता है, इसमें ज्यादा होता है, इसके लिए ये बेहतर रहे, बेहतर रहे। और खाना है जिसने तो ये खाए, खाए भी, खाने के लिए भी अच्छा है, लेकिन ये जो है ये अलग चीज़ है, कैल्शियम से भरपूर। हाँ अल्लाह की तारीफ है, माशाल्लाह। तो भी अभी नया साल है, सेया और इसके नया मौसम है, ये ताज़ा आया हुआ है पंजाब से, सेया माशाल्लाह अभी तो महंगा है, अभी इंशाल्लाह ये 10 दिन में जो ना सस्ता रेट में आ जाएगा। ये हमारा पाकिस्तान का जो ना मेवा है, मेवा। ये टोकरा कितने का दे रहे हो? अभी ये टोकरा जो ना ये 1000 रुपये का देते, एक टुकड़े पूरा टोकरा, हमने कल जो ना 1500 में भी बेचा, आज 1000 का बेच रहे हैं। मीडिया वाला आया इसलिए सस्ता है जी भाई। अभी देखो ये सेब देखो, ये भाई पाकिस्तानी सेब है, बिल्कुल मीठा क्वेटा वाला। हाँ ये देखो सेब ईरानी वाला लग रहा है यार, ये नहीं किया करो ना तुम इधर आओ, ये देखो बोल बड़ा सेब, बोल बड़ा सेब, ये कुल्लू सेब है, ये कुल्लू सेब है माशाल्लाह, ये देखो ये भी ताज़ा है। यहाँ पे सस्ता मिलेगा, बाहर शहर में जो ना महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा, हाँ वहाँ महंगा मिलेगा, मंडी में सस्ता मिलते है, वहाँ पे लेके जाते अपने बच्चों का रोजी देख के जो है सस्ता देगा। अच्छा वो तुम ये वाला कोल्लू की पेटी बताओ, पेटी कितने का है? वो बड़ा वाला जो बड़े वाला कुल्लू जो ना ये 2550 का है, ये बड़ा वाला, और जी छोटा वाला मीडियम वाला है वो जो वो 2250 का, फाइनल 2000 तक हो जाएगा, 2100 हो जाएगा, बस ये ऐसे करो 2050 2100 ऐसे ही मिल जाएगा आपको। हम लोगों ने जो है 100-200 रुपए नफे दे के जो ना देते, फिर टिया वाले जो ना वो किलो में जो ना नफे देते, क्या कह रहे टिया वाला बोलो आप भी, टिया वाले। हाँ सही बात है भाई, अब एक छोटी सी मिसाल है, अगर इन्होंने 2000 रुपए का 8 दी से लिया है ना, तो ये 2100 रुपए का देंगे, 100 रुपए उनकी है, 80 रुपए मुनाफा लेते हैं, हाँ 20 रुपए मजदूरी, 80 रुपए इनके होते हैं। दोस्तों तो हमने यहाँ पे आपको जो है ना मुख्तलिफ रेट बताए हैं, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारी जो है ना वो अच्छी भी लगी होगी। ये देखें मुख्तलिफ यहाँ पे जो है ना इस तरह मंडी के अंदर जो है ना फरोख्त किए जाते हैं, ये देखें मुख्तलिफ यहाँ पे अनार की पेटियाँ रखी हुई हैं, आपको दिखाया है यहाँ पे केवी भी रखी हुई है, चीकू भी रखे हुए हैं, ये देखें ये आ गए आपके चीकू हैं, यहाँ पे अनार हैं बड़े वाले, सेब भी रखे हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, इस तरह यहाँ पे खरीदो फरोख्त की जाती है। यहाँ पे जो है ना जितने भी शॉप कीपर्स होते हैं यहाँ से वो लेके जाते हैं, और शहरी भी यहाँ से जो है ना लेके जा सकते हैं। खान साहब क्या बेच रहे हैं आप? हम खीवी बेच रहे हैं, खीवी बेच रहे हैं जी हाँ, तो माशाल्लाह ऐसी है कि बिल्कुल वीआईपी 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 की, अल्लाह के ऐसा कुदरती करिश्मे हैं, बिल्कुल ईरानी खीवी जबरदस्त। ये बताइए कि लोग कहते हैं यार चीजें महंगी हो गई, लेकिन मंडी के अंदर तो अभी तक फिलहाल ही महंगी हो रही है, 1500 का दे रहा हूँ,
ठीक है भाई। 1500 रुपए का पूरी आप दे रहे हैं? ये छह इसमें डबे होते हैं, छह डबे होते हैं छिली के अंदर जी। और तकरीबन कितना किलो हो जाता है ये? ये तकरीबन 9 किलो 8.5 किलो हो जाता है, 8.5-9 जी। लेकिन यह बाहर जो मार्केट के अंदर दुकानों में लेते हैं वो तो बहुत महंगा मिलता है, अगर वो शहरी भी यहाँ से आके एक आठ दो पेटी लेके जाए हफ्ता भर खाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है अगर आ जाए तो, वरना अभी दूर पड़ता है लोगों को पेट्रोल की महंगाई की वजह होने से। लेकिन चीजें तो यहाँ से सस्ती बिल्कुल मिल रही है।